रुको रुको थोड़ी देर रुको। साथियों नमस्कार, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज आपको मैं दिखा रहा हूँ नवगठित ग्राम पंचायत कुबड़िया, तहसील गडरा रोड, ग्राम पंचायत मुख्यालय शास्त्री गांव, भूखा पार करने से संबंध में। ये बच्चे यहाँ आए स्कूल की समस्या को लेकर, तो सबसे पहले मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा लेता हूँ, बाद में आपको मैं इनसे बात करूँगा और पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो एक बार सबसे पहले जुड़ जाइए साथियों, क्या मामला है पूरा इनसे जानेंगे। सभी ग्रामीण बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं और छोटी छोटी बच्चियां स्कूल की वो भी साथ पहुंची है। मान नीचे करो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चोखाराम है। चोखाराम जी, आज क्या मांग है और किस लिए बाढ़ में इतने सारे आए हो? एक तो पंचायत मुख्यालय शास्त्री ग्राम करने बाबत, और शास्त्री ग्राम स्कूल में 200 नामांकन है उसको छोड़कर, और 50 नामांकन वाली स्कूल को 12वीं क्लास स्कूल कर रहे हैं, इसलिए बच्चे आए खुद मांग करने के लिए और न्याय मांगने के लिए। अशोक गहलोत को हम ज्ञापन दे रहे हैं आज। कितने का स्टाफ है वहाँ पर? कहाँ पर? इस स्कूल में जिसे आप 12वीं करना चाह रहे हो? यहाँ 200 है जिसमें 98 बालिकाएं हैं। हमारे स्कूल में 98 बालिकाएं हैं। जो कर रहे हैं उनमें 53 कुल नामांकन है, उसमें बच्चियाँ कितनी है? शायद 5-6 है, वो हमारे को मालूम है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। हमारे 98 बच्चियों का भविष्य देख लो। सरकार से हम मांग यही करती है, हमारी सुनवाई सुने और हमारे ज्ञापन स्वीकार करे। तो आज किसको यहाँ ज्ञापन देने आए हो? हम मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ धरना भी आज से शुरू है, बच्चियाँ तो वापस घर भेज देंगे, हम यहाँ इतनी बच्चियाँ रख नहीं सकती है। यहाँ हमारे पास सुविधा है नहीं, गरीब परिवार से है हम, 10-15 लोग यहाँ है निश्चित कर धरना दे रहे हैं। और धरना दोगे? धरना आज से शुरू है, अब धरने भी लिखा आज से अब धरना शुरू है, और बच्चियाँ आज ज्ञापन देके वापस घर चल जाएगी। अगर 15 दिन में कोई नई सुनवाई हुई तो मजबूरन हमारे बच्चियों को यहाँ लाना पड़ेगा और बच्चियों को धरने में बैठाने को मजबूर करेगी सरकार। क्या नाम है आपका? हेमा जयकर। क्या? हेमा जयकर। क्या आज किस लिए आए वार्ड में? स्कूल 8वीं तक बनी है, आगे व्यवस्था के बारे में बनने। तो आप कितनी की छात्र पहले से 8वीं तक की सभी आई है? कोई ऐसी बच्ची लाओ जो बोल सके अच्छी। क्या मांग आपकी मांग क्या है? यहाँ किस लिए आए हो आज? हमारी मांग ये है कि हमने 8वीं तक पास की है, आगे व्यवस्था नहीं, आगे पढ़ने की 12वीं तक व्यवस्था की। तो वहाँ गांव में कितनी स्कूल है? ये स्कूल है, तो मतलब बारहवीं किसको कर रहे हैं? कौन सी स्कूल है जिसे बारहवीं कर रहे हैं? कुबड़िया में। कुबड़िया में
और आपकी स्कूल 8वीं है, आपके स्कूल में एडमिशन कितने है? 200 एडमिशन है, जिसमें बालिकाएं कितनी है? और आपके घर से कितनी स्कूल दूर है? जिसे 12वीं कर रहे हैं ना, वो कितनी दूर है स्कूल? ज्ञापन को बोले करीबन 50 बच्चियाँ आई है साथियों, 60 50 से 60 बच्चियाँ आई है साथियों आज कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए। इनकी मांग है ये स्कूल इनकी 8वीं तक है, इनकी स्कूल 12वीं तक की जाए, जिसमें करीबन 200 एडमिशन है, जिसमें 98 बच्चियाँ है। जो 5 किलोमीटर दूर है वो स्कूल में 50 एडमिशन है, उस स्कूल को 12वीं की जा रही है, मगर इनकी स्कूल में 200 एडमिशन है तो भी इनकी स्कूल को 8वीं तक रखा है। इनकी स्कूल को आगे क्रमोन्नत नहीं होने के कारण आज ये ग्रामीण और बच्चियां सब मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कर लीजिए साथियों, ताकि इन बच्चियों को न्याय मिले और इनकी स्कूल 12वीं तक हो जाए। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर लो। ये देख लो छोटी छोटी बच्चियाँ आई है गाँव से। हाँ सही है, सही है, हाँ सही है। अशोक अशोक हाँ, तो धन्यवाद साथियों, सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कर लो।